यूरोपियन स्टाइल, कैटलॉग स्टाइल भी कह सकते हैं, आजकल टर्किश ट्रेंड के अंदर भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। अच्छा अभी देखिए माशाल्लाह अंदर से कितना लुक आ रहा है, किस तरीके का लुक है। आप छोटे से हिस्से में भी खड़े होकर काम कर सकते हैं, इसमें काफी मेहनत, काफी खर्चा, काफी सारे काम होते हैं। दो तरफ सेंटर में हैंगरिंग हैंगर आ गए, दो तरफ शेल्स आ गई। एलिगेंट लुक है सर, बिल्कुल माशाल्लाह, सिंपल और बिल्कुल एलिगेंट और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए। बड़ा सॉफ्ट सा फील आता है इसके अंदर, फोम का सारा पैडिंग का काम हुआ हुआ है, हर किनारा इसके अंदर जो है फोम से कवर हुआ हुआ है। हैंडल की क्वालिटी, साइज, सब चीजें देखे अंदर किस तरह किया हुआ है, और अंदर से भी फिनिशिंग देखे, अंदर भी हमने किस तरह का काम किया हुआ है। यहाँ नीचे गोल्डन के जो पाए हैं वो आपको बड़े खूबसूरत से नजर आएंगे माशाल्लाह। अब ये देखिए यहाँ पर ये 6 दराजे आ गई, ठीक है, और ये सारी की सारी इस तरह पूरी पूरी दराजे हैं, ठीक है। स्टूल के अंदर कैपेसिटी आप देख लें, सारा सामान वगैरह अंदर यहाँ भी रख सकते हैं। पूरी फिनिशिंग आपको कहीं भी फ्लॉ नजर नहीं आएगा। अगर आप देखें बिल्कुल सिंपल सा है, अंदर देखिए कैपेसिटी होनी चाहिए कि सामान कैपेसिटी है, छोटे डोर्स हो, इजीली एक्सेस हो, यानी कि आप छोटी सी जगह पे इतनी सी जगह पे भी खड़ों के काम किया जा सकता है। और वो फिनिशिंग जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी वो खावर भाई के पास मिलेगी, ऐसा ही है खावर भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हमारी एक कमिटमेंट आपसे छोटी सी ये होती है जी कि जो दिखा रहे हैं ना जी, कम से कम इंशाल्लाह इतनी फिनिशिंग होगी, कोशिश होती है इससे हर बार इंप्रूव करते रहे। कारीगर भी हमारे पास टॉप नॉच लगे हुए हैं, जबरदस्त, यानी कि बनाने वाले मटेरियल सारे, मगर अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई फॉल्ट नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राहिल शेख, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लास्ट मार्केटिंग। तो व्यूअर्स आज एक बार फिर से मौजूद हूँ बहुत टाइम बाद MM फर्नीचर पे। यहाँ पर जो है वो आपको एक फिनिशिंग जबरदस्त आइटम देखने के लिए मिलता है। ये हर तरह के फर्नीचर्स पे काम करते हैं, डीको हो गया, पॉलिश हो गया, एक्रेलिक हो गया, लेमिनेशन हो गया, इसके अलावा कस्टमाइज आइटम जो आप बनवाना चाहें वो MM फर्नीचर से बनवा सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह खावर भाई। खावर भाई से इनकी मसरूफियात पूछते हैं कि इतने टाइम बाद वीडियो क्यों बन रही है, तमाम चीजें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से ठीक है सर। बड़े टाइम बाद तकलीफ दी, क्या बात है सर? दरअसल माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के जो कस्टमर्स का प्यार इतना आया, इतने ऑर्डर्स आए कि हमें सर को जाने का फुर्सत नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने कहा कि अब काफी दिन हो गए कि अब हमने अपने व्यूअर्स से कांटेक्ट नहीं किया जी, तो अब एक ऑर्डर का ही सेट, ये भी ऑर्डर का माशाल्लाह जाने वाला है। इसी को हमने कहा कि चले ये एक नया आर्टिकल हमने बनाया तो क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जबरदस्त। अच्छा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये एक कलर है जी, इसके अंदर इस तरह के जो कलर आप सोच सकते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस कलर के अंदर बन जाए। जबरदस्त। तो ये इतना एक्सपेंडेबल सेट है, यानी कि इतना इसके अंदर वैरायटी बन सकती है। तो बाकी आइए हम डिटेल में आपको वीडियो में बता रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बेड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब ये बेड देखें, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल, कैटलॉग स्टाइल भी कह सकते हैं, आजकल टर्किश ट्रेंड के अंदर भी इस तरह की चीजें चल रही हैं जी। ये पूरा का पूरा जो है वेलवेट टाइप का कपड़े के अंदर, जिसे मलाई भी कहते हैं, उसके अंदर बना हुआ है जी। बड़ा सॉफ्ट सा फील आता है इसके अंदर, फोम का सारा पैडिंग का काम हुआ हुआ है, हर किनारा इसके अंदर जो है फोम से कवर हुआ हुआ है। पीछे एक छोटी सी पतली सी एलिगेंट सी गोल्डन का काम आया गया, वो ओवर भी ना लगे। सही है, एक्रेलिक है या ब्रास है? ये ब्रास नहीं, स्टेनलेस स्टील है। ये प्लास्टिक है। भी नहीं है और ब्रास भी नहीं है, ये ऐसी क्वालिटी है कि जो इंशाल्लाह खराब नहीं होगी। जबरदस्त। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर ये पतले पतले स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे फोम के पैटर्न का काम हुआ। जबरदस्त। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो हमने क्वालिटी यूज की हुई है वो हाई ग्लॉस के अंदर इसको बनाया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हमने लेमिनेशन का काम किया हुआ है, अंदर की तरफ सारा लेमिनेशन का काम है, बाहर सारा हमने हाई ग्लॉस का किया है। जबरदस्त। आइए हम आपको साइड टेबल के अंदर पहले डिटेल दिखाते हैं कि किस तरह की साइड टेबल है। अगर साइड टेबल को आप गौर से देखें तो इसके अंदर पाए लगे हुए हैं स्टील के, फिर इसके अंदर हैंडल्स आप देखें कि वो भी बड़े खूबसूरत से लगाए हुए हैं। बाकी अब इसके अंदर आप कलर मैचिंग अगर आप गौर से देखें, हैंडल की क्वालिटी, साइज, सब चीजें देखें अंदर किस तरह किया हुआ है, और अंदर से भी फिनिशिंग देखें, अंदर भी हमने किस तरह का काम किया हुआ है। बाकी सर ये एल जो होता है, एल कोनी जो किसी से कहते हैं, एल क्लिप लगाए जाते हैं राहिल भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे क्या फायदा होता है कि कुछ अरसे बाद ये लूज हो जाते हैं जी, क्योंकि हमें शिकायतें आ रही थी या हमारे प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रहे थे तो हमने ये एल लगा दिए, जिसकी वजह से इसके अंदर मजबूती आती है और ये कभी भी खराब नहीं होता। जबरदस्त। ठीक है, तो डबल प्रोटेक्शन इसकी हो जाती है। इस तरह नीचे भी ये खुशादा दराज आपको नजर आ जाएगी। बाकी इसके बेड के छोटे पल्ले पर अगर आऊं तो यहाँ पर अगर देखें तो ये भी खूबसूरत सा ग्लॉसी सा आपको लुक नजर आएगा, और यहाँ नीचे गोल्डन के जो पाए हैं वो आपको बड़े खूबसूरत से नजर आएंगे माशाल्लाह, क्योंकि यूनिक स्टाइल के अंदर थोड़े बने हुए हैं। जबरदस्त। अब आते हैं ड्रेसिंग की तरफ। अच्छा ड्रेसिंग भी इसकी थोड़ी सी काफी हमने एक अलग किस्म से बनाई है, एलिगेंट लुक है सर, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एलिगेंट और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए। दराजे आपको इसके अंदर ठीक ठाक आपको दराजे हैं और दराजों की गहराइयां मैं रेलवे चाहूंगा थोड़ा अंदर से दिखाएं,
कि गहराइयाँ किस तरह की हैं, कितनी गहराइयों का काम हुआ है, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी दराजें लगी हुई हैं। बाकी चैनल सर बहुत अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्वालिटी से आप बेफिक्र हो जाएं, क्वालिटी इसकी आप ढूंढेंगे इंशाल्लाह ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जबरदस्त इन पैसों के अंदर। ठीक है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, अच्छा ये वाला जो तुर्की वाले सेट्स हैं, मैं भी इसकी जब अलमारी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। जी जी। ये सेट मार्केट के अंदर 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख इस कैटेगरी के अंदर है। प्राइस मैं आपको आखिर में बताता हूँ ये कितने के पड़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 6 दराजे आ गई। ठीक है। और ये सारी की सारी इस तरह पूरी पूरी दराजे हैं। अच्छा, कोई अगर बच्ची चाहे, कोई मेरी बहन चाहे कि इसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन चाहिए, कुछ हल्की पुल्की करनी है, तो वो उसके हम चार्जेस भी नहीं लेते। हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है, शीट्स बढ़ रही है, मटेरियल अगर एडिशन लग रहा है, तो उसके फिर हम चार्जेस लेंगे आपसे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये एक स्टूल है। ठीक है, स्टूल के अंदर कैपेसिटी आप देख लें, सारा सामान वगैरह अंदर यहाँ भी रख सकते हैं स्टूल के तौर पर। सर काफी मतलब एक ह्यूज स्टूल है और एक मतलब बड़ा स्टूल है काफी, इसलिए ताकि कोई सामान भी आ जाए, बिला वजह की जगह ना हो, ये जगह इस्तेमाल भी रहे, बैठने के काम भी आ जाए। मल्टीपल साथ देंगे ये जी, इसके साथ देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने इनके भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जिन्होंने ऑर्डर दिया अच्छा। था, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। जबरदस्त सर। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, ये अलमारी का पूरा लुक देखिए सर। ये अलमारी है या अलमारियों का पूरा खजाना है सर, क्या सर चीज़ ये है? यही तो बात है, हम ये जो क्वालिटी पे काम करते हैं तो हम हर जगह अच्छे से अच्छा। अब ये देखिएगा पूरी फिनिशिंग, आपको कहीं भी फ्लो नजर नहीं आएगा। माशाल्लाह, ये यही हमारी कारीगरी है, यही हमारी मेहनत होती है कि हमारे कस्टमर्स को खूबसूरती के साथ काम नजर आए। अब अंदर देखें शेल्फ की, अब गहराइयों की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इस साइड पे आ जाइए ताकि मैं आपको यहाँ से जरा बिल्कुल दिखा सकूं। ये देखिए डीप इसकी दिखा रहे हैं, ये मेरे हाथ यहाँ तक है, टू बी स्पेसिफिक, इतनी इसकी गहराई है। ठीक है, और यहाँ ऐसे नहीं कि माल चोरी हो रहा है या छोटा करके बनाया जाता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि आपकी प्राइस ऊपर है, पर ये नहीं देखते कि वो माल लेके क्या जा रहा है। बिल्कुल, बाकी जगहों में क्या चीजें मिलती हैं, कैसी क्वालिटी है और हमारे यहाँ किस तरह की क्वालिटी। अब ये देखिए अंदर, यहाँ इधर हैंगर आ गया। अच्छा, हैंगर की क्वालिटी देखिए, लोगों के हैंगर से फॉल्ट आ रहे होते हैं, मुड़ गया, खराब हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये मैंने अच्छी खासी ताकत लगा दी है, अभी मेरी आवाज भी चेंज हो गई थी मगर ये बेंट तक नहीं हुआ। रेलवे तो खुद भी चेक करें जाके आगे। सर माशाल्लाह, ये ना लगे कि खाली हम बातें कर रहे हैं। नहीं, फिनिशिंग के लिए तो नो डाउट एमएम फर्नीचर क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी फिनिशिंग इंशाल्लाह आपके कपड़े कभी भी अल्लाह ने चाह नहीं गिरेंगे। जबरदस्त, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिये इधर भी इसी तरह पाइप और डबल आ गया, नीचे लॉकर्स भी है, दराजे भी है, दराजों के अंदर भी लॉक लगे हुए। अच्छा, अक्सर हमारे कस्टमर बोलते हैं इसमें आप बाहर लॉक क्यों नहीं लगाते। जी, बाहर लॉक ना लगाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये जो खूबसूरती है ना, ये खराब हो जाती है। तो इसकी जो खूबसूरती के अंदर यहाँ लॉक आ जाएंगे हर जगह, तो वो प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से सर लॉक की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपने अंदर कैचर कब्जे लगा दिए सर। सब कुछ लगाया मगर फिर भी लोगों के सवाल होते हैं, तो मैंने इसका पहले जवाब दे दूं। जी, फिर भी उनको चाहिए होंगे, हम लगा देंगे, आप लोग डरे मत, हम लगा देंगे। जबरदस्त, जो हमारा मकसद था वो हमने बता दिया क्या है। अच्छा, अब इन कस्टमर के लिए हमने एक डिवाइडर भी बनाया था, आइए हम आपको वो डिवाइडर भी दिखाते हैं। है। ये देखिए टू डोर का बिल्कुल बेसिक सा डिवाइडर, इसके अंदर जितनी सिंपलिसिटी होगी उतनी खूबसूरती आएगी माशाल्लाह। ठीक है, अगर आप देखें बिल्कुल सिंपल सा है, अंदर देखिए कैपेसिटी होनी चाहिए कि सामान रखने के लिए। है सर माशाल्लाह, बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरे लोग 3 डोर में जितनी कैपेसिटी देते हैं, ये हमारे 2 डोर के अंदर उतनी कैपेसिटी है, और मेरे ख्याल से अगर वहाँ 6 सेट आते हैं तो यहाँ 5 सेट आराम से आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही, और ये 4 फिट का है सर? ये 4 फिट के अंदर, क्योंकि आज के घर थोड़े से कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, तो हमें वो छोटा करना पड़ता है। यूजुअली लोग ये लेते भी नहीं, हम 3 पीस ही डील कर रहे होते हैं। ठीक, तो किसी को अगर कस्टमर का जाने का है तो हमने कहा चले आपको बता दे क्या चीज है, किस तरह करना है। अच्छा खावर भाई, मैं ये चाहूंगा कि पहले तो आप अलमारी का मुझे साइज बताएं, फिर इसके बाद सर हर डोर को ओपन कर दें ताकि अंदर का एक नक्शा सर समझ आए क्या है सर। चले मैं आपको कर, सॉरी माजरत, मुझे खांसी आजकल हो रही है, मौसम थोड़ा आपको पता है तब्दील हो रहा है। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से खांसी वासी सबको ही मेरे ख्याल से लगी हुई होंगी आजकल में। अच्छा, अभी देखिए माशाल्लाह अंदर से कितना लुक आ रहा है, किस तरीके का लुक है। आप छोटे से हिस्से में भी खड़े होकर काम कर सकते हैं, इसमें काफी मेहनत, काफी खर्चा, काफी सारे काम होते हैं। दो तरफ सेंटर में हैंगर आ गए, दो तरफ शेल्फ्स आ गई, दो तरफ शेल्फ्स, मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर आप काम कर सकें, तो आपके लिए कैपेसिटी बिल्कुल बहुत सारी। अच्छा खबर भाई, जिन घरों के अंदर जगहें कम होती है तो आपने पल्लों को दो दो जो है वो डोर्स को दो पल्लों में डिवाइड कर दिया। जी जी, इसीलिए किया है ताकि वो जो स्लाइडिंग डोर लोग कर रहे होते जी, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो वेदर है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, और कुछ अरसे बाद वो कंप्लेंट्स आती हैं और वो भी तंग होते हैं और हमें भी तंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि स्लाइडिंग चैनल्स ना लगाएं।
मगर फिर भी आप बोलेंगे लगा देंगे, मगर उसका हल हमने ये निकाला है छोटे डोर्स हो, इजीली एक्सेस हो, यानी कि आप छोटी सी जगह पे इतनी सी जगह पे भी खड़े होकर काम किया जा सकता है कि आपने आराम से, मतलब वो पूरा डोर इतना बड़ा खुलता है उसके लिए जगह जगह की तंगी होती है, तो हमने ये सब दिमाग में रखते हुए काम किया। अच्छा, इसका साइज आप पूछ रहे थे, ये 8 फीट बड़ी है। अच्छा, और 7 फीट हाइट के अंदर है। 8 फीट व्यूअर्स चौड़ी है। हाँ। और इसका जो एक एक डब्बा है, यानी कि वो देख लेना, मैं सामने खड़ा हुआ सेंटर में खड़ा हो जाता हूँ, देखे जबरदस्त, अब देख ले कितनी बड़ी है, यूज है, काफी यूज है। अच्छा सर, मुझे एक बता दें कि डब्बे सारे अलग अलग होते हैं सर? ये सारे डब्बे अलग होते हैं, आपके ऊपर चढ़ने के लिए कोई मसला नहीं होगा, हर चीज हम लोगों ने अलग फोल्डिंग रखी होती है, सकून से सारी चीजें चले जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्राइस। डीप भी एक दफा बताते हैं सर, डीप क्या थी इसकी? इसकी डेप पूरे 24 है, पूरी 24 इंच, पूरी 24 है पल्ले समेत। ठीक है सर, जबरदस्त। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसेस की तरफ। अच्छा, इसके अंदर लोग जब प्राइस सुनते हैं तो थोड़ा सा वो समझते हैं कि ये पैसे बहुत ज्यादा है। जी जी। पर मैं आपको बताऊं, ये वाला माल सिर्फ बेड ड्रेसिंग जो है ना, वो 2.5-2.5 लाख रुपए के अंदर बाजारों में बिक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनको थोड़ी सी भी समझ है ना फर्नीचर की, जो थोड़ा सा घूमते हैं, जिनको पसंद है फर्नीचर, उनको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। जो 13D चले जाएं, नर्सरी चले जाएं, आरामबाग चले जाएं, मैं मार्केट्स के नाम भी व्यूअर्स को बताऊंगा कि आप वहां जाके जो है वो, देना नहीं चाह रहा था मैं, नहीं मैं खुद बताना चाहूंगा कि आप जाएं वहां पे, सिर्फ 3 पीस के जो रेट है इसमें आपको खावर भाई 4 पीस देंगे, और वो फिनिशिंग जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी वो खावर भाई के पास मिलेगी, ऐसा ही खावर भाई? इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी एक कमिटमेंट आपसे छोटी सी ये होती है जी कि जो दिखा रहे हैं ना जी, कम से कम इंशाल्लाह इतनी फिनिशिंग होगी, कोशिश होती है इससे हर बार इंप्रूव करते रहे काम। ठीक हो गया खावर भाई, माशाल्लाह। अच्छा, इसके रेट की तरफ चल लेते हैं, रेट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके रेट है राहिल भाई 3,40,000 रुपए के। 3,40,000 के इसके रेट है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप कितने का देंगे सर ये बताएं? राहिल भाई, ये आप ना हमें मसले में डाल देते हैं लेके हर बार, आप तो क्वालिटी ना मांगा करें, क्वालिटी मांगते हैं, क्वालिटी भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए, और जो प्राइजेस हैं वो मुनासिब भी चाहिए। अच्छा, फिर एक ऑफर देते हैं, पर ये छोटे से टाइम के लिए देंगे, ज्यादा बड़ी नहीं देंगे। ठीक है, ये हम देते हैं 31 December तक के अंदर। ठीक ये है? कोई भी सेट किसी भी कलर में हमसे बुक करा लें। ठीक है, हम आपको 280,000 के अंदर, 2,80,000 में, 2,80,000 राहिल भाई, ये सिर्फ याद रख ले व्यूअर्स आप भी, अगर आप पहली तारीख को भी आए मैं रेट नहीं दूंगा आपको, मैं बाद में नहीं बोलेगा हम लेट हो गए ये हो गए, हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हम ये इसलिए लगाते हैं ऑफर्स ताकि आप लोगों को आसानी दे सके, और मैक्सिमम हम अपने सारे मार्जिन खत्म कर रहे होते हैं ताकि आपको अच्छी चीज कम पैसों में दे सके। ये इसकी वैल्यू आराम से 7-8 लाख, 6 लाख तो कम से कम कोई दुकानदार नहीं देता, मगर मैंने आपको ये वाला प्रोडक्ट, वैसे हमारी यहाँ की जो प्राइस है वो 3,40,000 रुपए, और आपको फाइनल ये पड़ेगा 2,80,000 रुपए में 4 पीस। जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू। अगर इसमें डिवाइडर कम होगा तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, तो वो आप डिटेल में हमसे पूछ लीजिए। अच्छा खावर भाई, आखिरी बात पूछना चाहूंगा कि जितना भी इसका फ्रंट बना हुआ है वो सब हाई ग्लॉस शीट पे बना हुआ है सर? सब हाई ग्लॉस शीट के अंदर है, और जितना अंदर का हिस्सा है वो सारा का सारा पार्टेक्स के अंदर बना हुआ है। ए क्वालिटी पार्टेक्स है या फिर दूसरी कोई कंपनी है सर? नहीं सर, हमारे यहाँ हर चीज टॉप नॉच क्वालिटी की इस्तेमाल होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं, इवन कारीगर भी हमारे पास टॉप नॉच लगे हुए हैं, जबरदस्त, यानी कि बनाने वाले मटेरियल सारे, मगर अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई फॉल्ट नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब खबर भाई बात कर लेते हैं आपकी लोकेशन की, कहाँ आके बंदा इसे ऑर्डर कर सकता है? बड़ा सिंपल सी लोकेशन है, आप या तो लियाकतबाद फर्नीचर मार्केट मैप में डाल लें, ठीक है, गूगल मैप में आराम से वो मिल जाएगा, मेन रोड के ऊपर ही हमारी दुकान है, जो रोड हसन स्क्वायर से टूवर्ड नाजाबाद जा रहा है। ठीक है, बाकी फिर भी कोई मसला होता है तो आप ये नंबर हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आपको नंबर दोहरा भी देता हूँ, 03314983100। ठीक है, इसके ऊपर आप कॉल कर लीजिए, सॉरी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा उस पर देख के आराम से आ जाइए। खावर भाई अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। नंबर मैंने अभी बताया, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, 03314983100। ठीक है, अच्छा खावर भाई माशाल्लाह तमाम डिटेल्स दे दी, अब आखिरी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि खावर भाई जो है MM फर्नीचर जो है वो किन किन चीजों को डील कर रहा है, किन किन चीजों पे काम कर रहा है? चले मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ, कोई भी चीज फर्नीचर से रिलेटेड हो, बेडरूम से रिलेटेड हो, और आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है बनाना, आप दें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा वो आपको बना के दिखाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह है पूरा पूरा उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे पुरानी वीडियोस के अंदर भी राहिल भाई कुछ लिंक्स वगैरह कुछ डाल दीजिएगा इनके लिए, ठीक है, ताकि जो ऑर्डर्स हमें मिले थे और हमने उनको कैसे एग्जीक्यूट किया वो भी इंशाल्लाह आपके स्क्रीन पर आ जाएगा,
ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, जितने भी आई बटन ऊपर आ रहे हैं वो सारे खबर भाई की वीडियोस के होंगे इंशाल्लाह ताला, आप उन पे भी क्लिक करके खबर भाई की मजीद वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है MM फर्नीचर की, आप लोग उसके अंदर भी तमाम फर्नीचर खबर भाई के देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो व्यूअर्स तो खबर भाई की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा व्यूअर्स। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।